आसंताकाली अफगानिस्तान और आमेरिका सैन्य प्रत्याहार शेष दिन आगामी 24 घंटा आमेरिका गुरुत्वपूर्ण 20 वर्ष पर अफगानिस्तान और आमेरिकार विदा पर कौन हो सारा विश्वर नजर पटे लगातार हमलें थरुची काबुल पूरी पाकिस्तान को तालिबान रो जोरदार झटका। तालिबान कहिला भारत सह चाहूँ भल संपर्क, पाकिस्तान भारत मध्य चली तिक्ततार हस्तक्षेप करिबनी तालिबान। एपटे जैश तालिबान गुप्त बैठक पर आलर्टे भारत। ओलंपिक पर पाला ओलंपिक रे जोड़ी है नुआ अध्याय, गोटे दिन में दुईट स्वर्ण सह मोट 5 पदक। सुटिंग रे सुना जीतिले अवनी विश्व रिकॉर्ड सह जावेलिन रे सुमित अंतिल जीतिले गोल्ड। सफल प्रतिजोगी को शुभेच्छा जनाइले प्रधानमंत्री, कहिले खेलाड़ी निष्ठा और कठिन अध्यवसाय जो यह संभव हो। खंड गुरुजी कला कारनामा, बहु सिंदूर पिंधि पारिबनी कि चूड़ी पिंधिबनी बोली देउथिले निर्देश। ग्राम देवी उपरे बोदा रक्त पकाउथिले संगठन सदस्य। गुरुजी सनातन विश्वास विरोधी आभिमुख्य, गाँ ठाकुराणी को पूजा करने पर मना करुथिले मानस दास। खंड गुरुजी पाखकु विदेशर आसुची मिशनारी फंड, मानस दास विरोध में आसला सांघातिक अभियोग। दलित हिंदू मानक ठारु अलग करिबा षडयंत्र रे आत्मघोषित गुरुजी ठाकुर को नुहे पूजा करने देते धमक। राज्य सरकार पृष्ठपोषकत पढ़ाऊ साम्राज्य। दिनक पर विधानसभा सरगरम हो मौसुमी अधिवेशन, विरोधी पाखे मलमाल अभोग। मरीडु महांगा डबल मर्डर, विद्युत दर वृद्धि बेकारी समस्या। बदनाम मंत्री को नहीं हुलस्थुल हो गृह। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या घटना को पूरला 12 वर्ष। आश्रम स्मृति में स्वामीजी जीवित किंतु न्याय लड़ेर लंबा जात्रार घटुनी अंत। कहीं कमिशन का रिपोर्ट को सार्वजनीन करूना राज्य सरकार। हत्या पछरे माओवादी केवल थिले कि सुपारी किलर, जना पड़ कि किए से हत्या पछर षड्यंत्री। आसवा संपूर्ण खबर को ओपीजीसी रे शक्ति मंत्री उपस्थिति रे बीजेडी बीजेपी धस्ताधस्ती। हेमगिरी ब्लॉक मनमोहन मनोहरपुर स्थित ओपीजीसी कोयला खनि प्रकल्प रेल करिडोर उद्घाटनी सभारे शक्ति मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र उपस्थिति रे बीजेडी बीजेपी धस्ताधस्ती होती। सभारे सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम, बरगढ़ सांसद सुरेश पूजारी, सुंदरगढ़ विधायक कुसुम टेटे, सहित तलसरा विधायक भवानी शंकर भोई उपस्थित रही। मंत्री भाषण पर विधायिका कुसुम टेटे वक्तव्य रखी विस्थापित अंचल प्रति राज्य सरकार का अवहला कथा उठाई। लोके भिटामिटी जमी हराउले से निजुक्ति कि अन्य सुविधा सुजोग दि जाऊन अभोग करते। तेज विधायकों वक्तव्य मझे समर्थक मैंने कुसुम को जिंदाबाज नारा देवु मंत्री कैप्टेन मिश्र सभार उठी चली जाइए। पर बीजेडी बीजेपी कर्मी मध्य धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होता। ओपीजीसी शक्ति मंत्री उपस्थित रे ओपीजीसी रे बीजेडी बीजेपी धस्ताधस्ती। हेमगिरी ब्लॉक मनोहरपुर स्थित ओपीजीसी कोयला खनि प्रकल्प रेल करिडोर उद्घाटनी सभार यह दृश्य। शक्ति मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र उपस्थित रे बीजेडी बीजेपी धस्ताधस्ती होइतिबार चित्र सामना को आसुचि। सभारे सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम, सांसद सुरेश पूजारी, विधायक कुसुम टेटे, भवानी शंकर भोई प्रमुख उपस्थित थे। मंत्री भाषण पर विधायिका कुसुम टेटे वक्तव्य रखी विस्थापित अंचल प्रति राज्य सरकार का अवहला कथा उठाई। लोके भिटामाटी जमी हराउले से निजुक्ति कि अन्य सुविधा सुजोग दि जाऊन अभोग करते। तेज विधायकों वक्तव्य मझे समर्थक मैंने कुसुम को जिंदाबाद नारा देवारु मंत्री कैप्टेन मिश्र सभार उठी चली जाइए। पर बीजेडी बीजेपी कर्मी मध्य धस्ताधस्ती भली परिस्थिति सृष्टि होता यार चित्र आप देखिपुर। चित्र आसुची बीजेपी बीजेपी एवं बीजेडी कर्मी मध्य धस्ताधस्ती परिस्थिति। मंत्री भाषण पर विधायिका कुसुम टेटे वक्तव्य रखी विस्थापित अंचल प्रति राज्य सरकार का अवहला कथा उठाई। मंत्री दिव्यशंकर मिश्र
मध्य सेठारे थिले लोके भिटामाटी केमती हराउचंती जमी हराउचंती सेमान को नियुक्ति कि अन्य सुविधा सुजोग दिया जाउ नथिबा अभियोग करथिले विधायकक वक्तव्य मजिरे तांका समर्थक माने कुसुम को जिंदाबाद नारा देबारु एभली परिस्थिति होइतला मंत्री कैप्टन मिश्र सभारु उठी चली जाइथिले एवं यहा परे बीजेडी बीजेपी कर्मी को मध्य रे एक प्रकार धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होइतला जोंटी लोकक समस्या कथा उठाइथिले विधायिका सेतबेले जेतबेले तांका नारा रे जिंदाबाद नारा लगा जाइथिला सेठाकार आदिवासी मानक समस्या कथा उठाइथिले से समय रे उत्क्षिप्त होइ पडिथिले हुए तो बीजेडी रो कर्मी माने सेति पई हुए तो एभली परिस्थिति सामना चित्र सामना को आसुछि ब्लॉक मनोहरपुर स्थित ओपीजीसी कोयला खनी प्रकल्प रेल करिडोर उद्घाटनी सभारे शक्ति मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रों उपस्थित रे धस्ताधस्ती परिस्थिति बीजेडी एवं बीजेपी कर्मी मध्य सभारे सुंदरगढ़ सांसद जुएल राम बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी प्रमुख उपस्थित थे विधायिका कुसुम टेटे मध्य थे मंत्री भाषण पर विधायिका कुसुम टेटे वक्तव्य रखी विस्थापित अंचल प्रति राज्य सरकार का अवहेला कथा उठाई सेठार कि लोके भिटामाटी जमी हराउले से निजुक्ति कि अन्य सुविधा मिलूनी से सब प्रमुख प्रसंग उठाते जहाँपर सेठार एभली चित्र बीजेडी एवं बीजेपी कर्मी मध्य होता सामना को अधिक आलोचना करवा सहित प्रतिनिधि सुरेन्द्र बारिक जोड़ी जाइंट सुरेन्द्र पूरा घटना कौन थी सेठार मंत्री उपस्थित थे विधायिका विधायक मैंने उपस्थित थे क्योंभली परिस्थिति होता जहाँपाई कि बीजेडी एवं बीजेडी बीजेपी कर्मी मध्य एभली एक दृश्य सामना को आसला देखो आज बहुत प्रतीक्षित जो ओपीजीसी रे यूनिट तीन एवं चार जो मनोहरपुर रे वार्षिक 10,000 टन उत्पादन विशिष्ट जो कोयला उत्तोलन हो तार एमजीआर लाइन रो लोकार्पण करते मुख्यमंत्री भर्चुअल माध्यम रे मनोहरपुर रे निजे शक्ति मंत्री दिव्यशंकर मिश्र सहित स्थानीय सांसद जुएल राम एवं बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी एवं सुंदरगढ़ विधायक कुसुम टेटेल उपस्थित थे एवं तसरा विधायक एवं पूर्वतन विधायक विधायक योगेश सिंह उपस्थित थे जितने उद्घाटन सभा से भाषण प्रसंग में अनेक कथा कही दिव्यशंकर मिश्र जे केमती राज्य सरकार विभिन्न योजना करते भाषण देखु काउंटर करते विधायक कुसुम टेटे कारण सेनेक लोक विस्थापित होती विस्थापित होगापर चाकरी पाती अनेक समस्या अच्छी जोटा कि राज्य सरकार से पूरण कर पारे ना सबुत बड़ कथा है जितने शक्ति मंत्री कहते जो बिजुली उत्पादन ओपीजीसी को से स्थानीय लोक जो माओवादी एरिया झील मैंने पाठ पढ़े जो उक्ति कहते काउंटर करते विधायक कुसुम टेटे से दिल्ली एग्जांपल देते जदि दिल्ली में विद्युत उत्पादन नहीं विद्युत शुल्क कम पड़े कहीं बेसी हो जितने कुसुम टेटे से भाषण देते तो से जगार ही बीजेपी कर्मी मैंने जिंदाबाद रारा लगे तो गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि से स्थान छाड़ चली जाइए जो सभार बाहर बीजेपी एवं बीजेपी कर्मी मैंने धस्ताधस्ती होती हाताहाती होती तो ये निजे विधायिका हेल्ले क्षोभ प्रकाश करण ये उद्घाटन सभा निजे शक्ति मंत्री सभासद मीटिंग होता से जगह छाड़ा निश्चित भाव गोटे विरोधी मानक गोटे काउंटर करने सुजोग मिली कि सबुत बड़ कथा है स्थानीय पुलिस किसी घंटा पर स्थित को आयत्त करपारी तो ये विधायिका कुसुम टेटे जो भाव में विस्थापित अंचल लोक मान समस्या कथा उठाई शक्ति मंत्री सेठार उपस्थित थे सीधा सड़क आलोचना चलता और सेठार जोबले सीता वक्तव्य रखुते प्रतिबदल ये थिला परिस्थिति बीजेडी बीजेपी कर्मी मध्य धस्ताधस्ती बीजेपी विधायिका जोबले लोकों समस्या जनईते से कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र जी अच्छा गृहमंत्री से उठी पड़ाई यहाँ पर दृश्य ये हो बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित अधिक आलोचना करते पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ सुरेन्द्र बारिक पुणी पाकिस्तान को तालिबान रो जोरदार झटका तालिबान कही जे यहाँ भारत सह भल संपर्क चाहूँगी अफगानिस्तान उपरे तालिबान कब्जा करिबा परे पाकिस्तान को भारत विरोध में लड़ा को आहुरी शक्ति मिलिबो बोली आलोचना एवं चर्चा होता किंतु यहाँ भितरे तालिबान यार भारत सहित संपर्क मजबूत करने कथा कौच तालिबान निजर द्वितीय घर बोली कहता पाकिस्तान को जोरदार झटका दे पाकिस्तान एवं
ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇଛି ତାଲିବାନ। ଏହା ସହିତ ତାଲିବାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ବୋଲି କହିଛି। ତାଲିବାନର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶେର ମହମ୍ମଦ ଆବାସ ସ୍ଥାନିକ ଯାଇ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ କହିଛନ୍ତି ପାରସ୍ପରିକ ଝଗଡ଼ାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସାମିଲ କରାନଯାଉ। ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଚରଣ କଥା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇନି। ଆମେ ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଖାସ କରି ଭାରତ ସହିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। देखिए ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इस बात को भी दर्शाता है कि तालिबान काफ़ी डिस्परेट हैं भारत से मान्यता प्राप्त करने के लिए। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अगर भारत एक बार मान्यता उनको दे देता है तो कम से कम 20-30 और देश जो एशिया अफ्रीका के हैं वो भी तालिबान को मान्यता दे देंगे। दूसरी बात यह भी है कि भारत की मान्यता देने के बाद दूसरे देश देंगे तो उनको आसानी होगी दूसरे मुल्कों से मान्यता प्राप्त करने से, और ख़ासतौर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह से वो लेने के लिए, इकोनॉमिक वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनसे उनको फिर मदद मिलने में आसानी हो जाएगी। और ये भी है कि एक उनका स्ट्रेचर बन जाएगा ग्लोबल, तो उसमें भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भारत की मान्यता देना, इसलिए ये बार बार स्टेटमेंट दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस मामले में ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि भारत ने एक बड़ा रोल अफगानिस्तान में, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है, और उसने हमेशा भारत के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका भी खंडन किया है, उनके खिलाफ बोला है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत, दूसरी बात ये भी है कि तालिबान इस वक्त उनकी गरज है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ग्रुप है इसकी जो पिछला रिकॉर्ड है वो हमेशा भारत के ख़िलाफ़ रहा है। इसके घनिष्ठ संबंध लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और दूसरे आतंकवादी संगठन से हमेशा से रही और अभी भी उनके साथ बने हुए। इसलिए ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖଟୁଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଇଏ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ଶାସନ, ତାଲିବାନ କହୁଛି ଇଏ ଭାରତ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଅଛି ତାହାର ଏହା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଇଏ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି, ଏହା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ସୁହାଇବ ତ? ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଭାରତ ଏବେ ତାର ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ପଲିସି ବଦଳାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଇନ୍ ଡେସ୍ପରେଟ୍, 31ରୁ ଆମେରିକା ଆଉ ନାଟୋ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ୟୁକେର ସବୁ ସେନାବାହିନୀ ଚାଲିଯିବେ। କାବୁଲରେ 5ଟି ଏମ୍ବାସି କାମ କରୁଛି, ସେଲା ଚାଇନାର, ରଷିଆର, କାତାରର, ପାକିସ୍ତାନର, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର। ତା ଭିତରେ ତାଲିବାନ ପାଖରେ 3ଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେତେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରି ଭଲ ଭାବେ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ଫର୍ମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗନି ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସବୁ ପଇସା ବଜେଟ୍ରୁ ନେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ରୋକନ୍। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ନାହାନ୍ତି କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଇନା ପଇସା ଦିଏ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରେ, ତାର ହେଲା ନିଓ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ସୋର୍ସ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କିଛି ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିନି। ଭାରତ 500 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେଠି $300 million ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲେ, ଡ୍ୟାମ୍ ହଉ, ପାୱାର ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ। ତାଲିବାନ ଏସବୁ ନ କଲେ ସରିଆ ଲ ଆସିଲା, ମାନେ ଦେଶରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ବହୁତ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦ ଅଛି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଭଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦଉଛି, ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେବେ ତାଲିବାନ ପ୍ରପର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମକୁ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କହିବା କି ୟେସ୍
ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଚିଜରେ ମାନେ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରୁନା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବୁ, ବହୁ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ओके सीत अमरेन्द्र खटुआ पूर्वतन राष्ट्रदूत आम सहित अधिक आलोचना करते बहुत बहुत धन्यवाद सीत खटुआ आप सब सस तथ्य आमको दे कि भाव तालिबान भविष्य पाई अफगानिस्तान योजना रही कहीं ये भारत पक्ष पड़ी भारत सहित संपर्क जोड़ा ये चेष्टा कहीं कर पाकिस्तान भारत तिक्तता मध्य तालिबान निजर हाथ पुरेवाक चाहूना तबे तालिबान रो कथा एवं कार्य मध्यरे पार्थक्य रहुछि जहाँ एबे प्रमाणित होउछि। अफगानिस्तान रो दाखल करबा परे तालिबान लोकंकु भयभीत नहेबाकु निवेदन करथिला, एमितिके सांबादिकंक स्वाधीनता विषय रे भी घोषणा करथिला, तथापि धीरे धीरे तांकर प्रकृत चरित्र सामना को आसुछि। आजकल सोशल मीडिया रे एक वीडियो वायरल हेबार लागिछि जेउथरे जने टीवी सांबादिकंक उपरे किपरि निर्यातना करुछि तालिबान ताहा देखिबाकु मिलुछि, जोर जबरदस्त प्रशंसा करिबाकु बाध्य करुछन्ति। केवल सेतिकि नुहे, स्टूडियो रे पसि तालिबानी माने सेमानकर निष्ठुरतार उदाहरण मध्य देखाइछन्ति। जणे आंकर न्यूज पढुथवा समय रे सेमानकु जबरदस्त तालिबानीक प्रशंसा करिबाकु बाध्य करुछन्ति, कान उपरे बंदूक रखी भयभीत कराई कहुछन्ति आमर प्रशंसा कर। दृश्य आपण देखि पर्थु इस्लामी बयाज हमकार बशन बाजी चीज हेरास नदोष्टा बश। बनाम खुदा बर्ज सलाम बा दुरूद बर शुमा बिनदहाय शबक तालिबान रो घोषणा अफगानिस्तान रे छात्री को पढ़ाई पारे ना पुरुष शिक्षक। काबुल दखल पर अफगानिस्तान रे तालिबान शासन आरंभ हो जाए। तालिबान सोमवार घोषणा कर देश में पुरुष शिक्षक छात्र छात्री मानू खासकर छात्री मानू शिक्षादान दे पारे। तालिबान उच्चशिक्षा मंत्री शेख अब्दुल वजी हकानी कहते देश में पुरुष शिक्षक छात्री मानक पढ़ाई पारे ना। हकानी कहते सरिया लॉ अनुजाई समस्त शिक्षा गतिविधि परिचालित हो। लोया जरिया रे समवेत विशाल जनसमावेश को संबोधित कर हकानी आश्वासना अफगानिस्तान जनता और शिक्षक सहित देशर शिक्षार विकास तालिबान प्रयास कर। तेब ए घोषणा पर तालिबान कब्जा में अफगानिस्तान में असंतोष देखाई। बुलेटिन आगु खबर जारी रहिबो, किंतु समय एक छोट ब्रेक रह। ब्रेक परे स्वागत। एबे भारत जपुची रामकृष्ण। जेतेबेले भारतीय संस्कृति विरोधी मानकर दबदबा थिला, सेतेबेले संस्कृति ओ परंपरार असम्मान होतला। मंदिर ओ भगवान को कथा कहिबाकु से भारतीय संस्कृति विरोधी मानक आगरे साहस पाउनथला। एबे किंतु आमर राम आमर कृष्ण जन्माष्टमी अवसर में मथुरा किसी एपरी अभिमत रखिंट योगी आदित्यनाथ। एबे भारत जपुची रामकृष्ण। जेतेबेले भारतीय संस्कृति विरोधी मानकर दबदबा थिला, सेतेबेले संस्कृति और परंपरार असम्मान होता। मंदिर और भगवान को कथा कहवाक से भारतीय संस्कृति विरोधी मानक आगे साहस पा नाला। एबे किंतु आमर राम आमर कृष्ण राम मंदिर आमर रामलाला आमर एमानंकर दर्शन कथा कहिबाकु लोके साहस पाइछन्ति। आज जन्माष्टमी अवसर रे मथुरा रे किछि एही परि अभिमत रखछन्ति योगी आदित्यनाथ। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी हम यहाँ की बनाए रखें, क्योंकि वो हमारी पहचान है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने यही तो देश को एक नई दिशा दी है। आज आप देख रहे हैं एक एक करके सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाएं आस्था के वे केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। से कहिछन्ति ए सब सेतेबेले संभव होइछि जेतेबेले देश स्वाधीनता पाइबा परे प्रथम थर पई राष्ट्रपति रामलाला को दर्शन करुछन्ति एवं मोदी प्रथम प्रधानमंत्री भाबे मध्य रामलाला को दर्शन करुछन्ति। देशर सांस्कृतिक इतिहास को जोड़ीबाकु किपरि चेष्टा करा जाउछि आज से कथा कहिछन्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है
कौन लड़ाई ले रहा है? जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय संस्कृति प्रति श्रद्धार लंबा पृष्ठभूमि मध्य रही। योगी आदित्यनाथ गुरु महंत अवैद्यनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ भूमिका रही। गोरखपुर गोरखनाथ मठ को भारतीय संस्कृति सुरक्षार केन्द्र बनाई महंत अवैद्यनाथ। तांकर शिष्य योगी आदित्यनाथ बारंबार सांसद बनी गोरखपुर। एवं मुख्यमंत्री होगापर आलाहाबाद नाम बदल प्रयागराज रखिले। भारतीय समाज को भारतीय संस्कृति अभिमुखी करने योगी करिछन्ति पण। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एटीएम रु टंका उठाउथिले सावधान, मात्र कई मिनिट्रे चून लगाई पारती लुटेरा। एटीएम मेसीन एक जंत्रांश लगाई हेउछि लुट। जदि मेसीन रु टंका बाहरुनी तेबे भल भावे चेक करंतु। एमिति सातिर लुटेरा सलमान को गिरफ करिछि एबे पुलिस। दिमाग खतरनाक खेलाड़ी फरीदाबाद रु भुवनेश्वर तीन मस रे तीन जिलारु तीन कोटी लूट। तीन मास धरी पुलिस रो निद हजाई देइतबा एटीएम लुटेरा सातिर सलमान गिरफ। सुनिले ताचुप लागिबो। चोरी परे गाड़ी रो गियर चैंबर रे रखुतिला लक्ष लक्ष टंका। गिरफ परे लुटेरा सलमान देखाइछि लूट रो डेमो, केमिति एटीएम रु गायब करुतिला टंका, केमिति एटीएम रे फिक्स करुतिला मेसिन, मेसिन लगाइबा परे एटीएम रु केमिति काढुतिला टंका, ए सबुर डेमो करी पुलिस को देखाइछि सलमान। एटीएम लूट उद्यम बेले दुई लुटेरा को लिंगराज थाना अंचल रु धरी पुलिस रो जिम्मा देथिले साधारण लोके। सलमान संपर्क रे कमिश्नरेट पुलिस को खबर देथिले तार सहयोगी कफियत एवं राज, जहाँ को आधार करी लुटेरा गैंग रो मास्टरमाइंड सलमान को अनुगुल निकट रु गिरफ करिछि कमिश्नरेट पुलिस। सलमान निकट रु गोटे दामी गाड़ी, तीनोटी मोबाइल एवं किछि एटीएम कार्ड 90,000 टंका जबत करिछि पुलिस। विभिन्न प्रकार मॉडल्स प्रिंट रहिछ अपन एटीएम रे। विभिन्न आरबीआई वर्तमान सर्कुलर बाहर करिछि, जोटा कि नॉर्मली 40 पेज रो सर्कुलर, केमिति कोन फ्रॉडलेंट होछि, फ्रॉडलेंट नॉर्मल कस्टमर करछन्ति, फिशिंग टूल रे करछन्ति, बहुत किछु पारे करछन्ति। वर्तमान जोटा एटा हिछ एटा फिजिकल टेम्परिंग विथ द एटीएम। सो मेसिन ना आगे हम डिवाइस ना लोहा प्लेट कोन आगे लोहा प्लेट टाइप रो स्पैनर टाइप रो जिंसटा सर ना एक्चुअली हम जानमु 19 तारीख में 20 तारीख में आए थे सर। कितने एटीएम को ऐसे लूट किए थे सर? यहां पे भैया बोल सकते हैं टेक्निक क्या, टेक्निक कैसे कैसे टेक्निक अपने कर रहे थे? जो पत्तो लगाते हैं डिवाइस वो किस तरह से काम कर रहा है बोलेंगे? डिवाइस क्या तरह से लगा रहे सर? उसने उसे सीधा लगाते हैं सर उसको, उसमें पैसा आ जाता है, उसको निकाल लेते हैं सीधा, उसको सीधा निकाल। वो डिवाइस किस तरह से काम कर रहा था कब से भैया? कैसे काम कर रहा था थोड़ा डिटेल बता सकते हैं? सलमान रो लूट रो साम्राज्य सबुआडे लंबिछि। फरीदाबाद रे गैंग को तालीम देउथला सलमान, कोटी अंचल रे बेसी समय रहुनथिला सलमान, काले संध्या हेबो एथि पई व्यवहार करथिला विलासपूर्ण गाड़ी। सलमान प्रथमे एटीएम रो डिस्पेंसर रे फिक्स करथिला पतळा लुहा पातर एक जंत्रांश। साधारण लोक उठाइबा बेले जंत्रांशरे टंका लाखी रही जाउथिला। एटीएम रु टंका न बाहरिबा परे लोके पळाउथिले। एहा परे जंत्रांश सह टंका उठाइ नेउथिला सलमान, जहार टेर पाउनथिले बैंक कर्तृपक्ष एवं पुलिस। एई तीन जण जो धरा पडिछन्ति तांक पाखरु 90,000 टंका कैश जबत हेइछि। विभिन्न बैंक रो 15 एटीएम कार्ड, 5 लुहा पातिया, जोडा लुहा पातिया समान यूज करथिले 5 लुहा पातिया, 3 मोबाइल फोन एवं गोटे कार अननेम्ड अननंबर्ड कार गोटे जबत होती। कार रो ओनरशिप वेरिफिकेशन चली। मोहम्मद सलमान कैफियत एवं राजकुमार तनवर एम हरियाणा रो फरीदाबाद अंचल रो तीन जन जाक अटंती। आज कोर्ट फॉरवर्ड कराऊ, आम वेरिफिकेशन करुचु समान ओडिसा को आगरु आउ केबे केबे आस्तिले। गिरफ तीन लुटेरा को रिमांड रे आनिबा सहित अधिक तथ्य प्रमाण पई फरीदाबाद को जीव कमिश्नरेट पुलिस रो एक स्वतंत्र टीम। एही घटना रे आगो को आउ केउ तथ्य सामना को आसुची एवं एही गैंग रो आउ केउटी संपृक्ति अछि तार छानबीन चलाइछि पुलिस। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीपक साहू को सह संतोष सेना को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
ଭାରତୀୟ ଖେଳ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ଖେଳ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଜିତିଛନ୍ତି 5ଟି ପଦକ। ସୁଟିଂରେ ଅବନୀ ଲଖେରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଜାଭେଲିନ୍ରେ ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଖେଳ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ 5 ପଦକ। ସୁଟିଂରେ ସୁନା ଜିତିଲେ ଅବନୀ। ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ଜାଭେଲିନ୍ରେ ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଦେଶକୁ ରୌପ୍ୟ ଦେଲେ ଯୋଗେଶ ଖଟୁନିଆ। ସୋମବାର ସକାଳ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସକାଳ। ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା 5ଟି ପଦକ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଅବନୀ ଲଖେରା। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ଅବନୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବନୀ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଆସିଗଲେ। ହେଲେ କେବେ ବି ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗରେ ଏହାକୁ ବାଧକ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବଡ଼କର ଓର କୋଇ ଖୁସି ହୋଇନି ସକତି କି ହମାରି ପୋତି ଅବନୀ ଲେଖରା ନେ ଅଲମ୍ପିକ ମେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତା ହେ ଔର ୟେ ଇସକି ମେହନତ କା मतलब फल इसको मिला है, इसे बहुत ही खुशी है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है मेरे को डब्बू के ऊपर। रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, यही करना चाहूंगा। सेपरी सुमित अंतिल जैवलिन रे भारत को देछंती स्वर्ण। विश्व रिकॉर्ड सो देश पई स्वर्ण आनछंती सुमित। 68.55 मीटर दूरता को जैवलिन फिंगी ए इतिहास रचछंती सुमित। ସେହିପରି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ 2ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଖଜାରିଆ ଓ ସୁନ୍ଦର ସିଂ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଛି 3ଟି ପଦକ। ମେରି କୋଶିଶ ଗୋଲ୍ଡ ଲେନେ କି ଥି ପର ଖେଲ ମେ ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ହୋତା ହୈ ଲେକିନ ଅଚ୍ଛା ହୈ କି ମେ ମେଡଲ କି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଲଗା ଦି ଦେଶ କେ ଲିଏ ଔର 3 ମେଡଲ ଜିତେ ହୈ ମେନେ ମେରି ଲାଇଫ ମେ ଔର ମୁଝେ ବହୁତ ଖୁସି ହୈ। ସେପଟେ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ ଖଟୁନିଆ। मेरे दिल में यूं लगता था कि सब मतलब अपने बच्चे के लिए सब कुछ खेलने के लिए लाते हैं और मैं अपने बच्चे को व्हील चेयर दे रही हूं। मतलब बहुत ही बात का दुख लगता था लेकिन आज उसको इस जगह पर देख के मैं सब कुछ भूल चुकी हूं। निकटରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟୋକିଓ ସମର ଅଲିମ୍ପିକ ରେ ଭାରତ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 2ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 4ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହ ମୋଟ 7ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ। ଏହା ସହ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଚମକିବା ପରେ ଏବେ ପାରା ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଖେଳାଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।